दीन ने जो हरकतें की हैं ये मैंने अभी देखी है। मैंने बहुत अरसे से कोई वीडियो नहीं बनाई और ना मैंने कोई लाइव सेशन किया है ट्विटर पर, लेकिन मुझे ये देख दीन ने जो हरकतें की हैं ये मैंने अभी देखी है। मैंने बहुत अरसे से कोई वीडियो नहीं बनाई और ना मैंने कोई लाइव सेशन किया है ट्विटर पर, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है कि किस तरह जाहिलों की तरह ये खवातीन जो हैं अपनी ताकत के ज़ोर पर, अपने पैसे के ज़ोर में, जोम में, बिल्कुल जो नशे में इंसान अंधा हुआ होता है उस तरह ये इन खवातीन के घर में घुसी हैं, बच्चियों के घर में, और इनको कोई शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान की स्टेट जो है ये किसी की जागीर है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बोल नहीं रहा, आखिर वजह क्या है? इन लड़कियों को फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। आपके पर्सनल घर के जो मामलात हैं, जो इनफिडेलिटीज के आपके मामलात हैं, आपके बेटों के जो मामलात हैं या आपके दामादों के जो मामलात हैं, वो जो भी हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। एक तो ब्रेकिंग एंड एंट्रिंग किसी के घर में फोर्सफुली, उनके घर में तोड़ फोड़, फिर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो आपने की है वो उन पर पेट्रोल छिड़कना है। ये आपके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं वो बहुत शदीद किस्म के लगने चाहिए, और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन आपने की है, जिसकी धज्जियां आपने बिखेरती हैं, आप लोग अपने आप को समझते क्या है कि ये आप लोगों का मुल्क है जिसके घर में आप जाएंगे अपने गार्ड्स के साथ जोर और जबरदस्ती घुस जाएंगे? ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वजीर आजम पाकिस्तान और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के जो मिनिस्टर हैं, हमारे पाकिस्तान की मीडिया, स्पेशली मीडिया की खवातीन, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत और हौसला है तो प्लीज इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इन खवातीन के अरेस्ट के लिए फौरी तौर पर हाइप बनाई जाए। ये कल किसी के भी घर में घुस सकते हैं। सो एनीवे, मुझे इनके पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी, बट द वे दे हैव हैंडल्ड दिस सिचुएशन इज नॉट ओनली अबनॉक्शियस, रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग, बट अगर पेट्रोल से आग लग जाती या ये मर जाती या इनको कोई नुकसान हो जाता तो आप किसको जवाब देती? और अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे थे उससे मुझे अंदाजा हो गया कि आपकी तालीम कैसी है, आपकी तरबियत कैसी है और आप किस खानदान के हैं।